क्षेत्र के समाजवाद पार्टी के ग्रामीण ने किया चंपा लाल गोधर। भाजपा ओबीसी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का 3 जिलों में भारी स्वागत, जिसमें हनुमानगढ़ में 15 स्थानों पर, श्री गंगानगर में 20 स्थानों पर और अनूपगढ़ में 8 स्थानों पर जोरदार फूलों की वर्षा के साथ साफा सोलवा फूल मालाओं द्वारा भारी स्वागत किया गया। समारोह की कड़ी में सीसी हेड पर ओबीसी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर प्रजापत बीकानेर निवासी के साथ आत्माराम तेहरपुरिया, शिवनारायण शिवप्रकाश तेहरपुरिया, सुनील गहलोत, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुनील यादव, प्रदेश ओबीसी रामचंद्र घोडेला, मनाराम मगलाव, प्रभु राम गेधर, दिनेश सवाल आदि का सीसी हेड पहुंचने पर प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेधर का जोरदार मालाओं से स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में फरसेवाला से जसराम तेहरपुरिया, भाजपा बूथ अध्यक्ष धर्मपाल बाबूराम दिलीप, पंचायत समिति डायरेक्टर सुथार हरखेवाला, धमुड़वाले से राजाराम जाखड़पुरा, सरपंच गौरीशंकर तेहरपुरिया, दर्जनों ग्रामीणों ने स्वागत किया और सभी में खुशी की लहर छाई हुई थी। प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर ने कहा कि आपने मेरा यहां पर मान सम्मान व स्वागत किया, इसके लिए समाज व पार्टी कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारे यहां पर देखो इनके स्वागत में पूर्व पंचायत समिति के डायरेक्टर भाजपा नेता राजाराम जी जाखड़ पहुंचे इनके स्वागत के लिए। राजाराम जी बताएंगे इनके दो शब्द। इस बार कांग्रेस के इस राज में जो जिस तरह से बुरी तरह 4.5 साल तक वो अपनी सरकार बचाने में लगे रहे और जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आज घोषणाएं धड़ाधड़ करते जा रहे हैं लेकिन वो क्रियान्वित होने में बड़ी मुश्किल है। और इसके अलावा जंगल राज जो बना हुआ है, आज ही 14 AM में सुबह ही हमारे यहाँ एक परिवार में घुस के इतनी बुरी तरह से उनको मारा है और अब पुलिस जाके उसकी जो रिपोर्ट लिखवाने के लिए हॉस्पिटल में गई है और अब तक संभाला तक नहीं। इस व्यवस्था को देखते हुए ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो 23 और 24 दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी।